person who's hosting us today is also a well-known face in the UK. You have seen him, heard of him, and most of you already know him. Working in the Ministry of Justice, he is from Birmingham. He is a Birmingham-based TV anchor. He's a radio jockey and singer. He has hosted many Bollywood shows. Some of the popular ones are Aapki Farmaish, Bollywood Ke Rang, and Ek Fadkar. Please join me in welcoming on board Sangeet Foundation's program today is Mr. Brij Kumar. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्राणी जी। आपने तो मतलब इतना कुछ कह दिया है कि बस मजा ही मजा आ गया। मतलब इतनी तारीफें एक दिन में अगर किसी की हो जाए तो फिर उसका दिन ही बन जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सबों का स्वागत है इस शो में जो कि संगीत फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और आज की जो शाम है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं स्वर कोकिला। बिल्कुल, और इस बात को सच साबित करने के लिए वो खुद यहां पे होंगी। नाम है मनाली चतुर्वेदी। आपने नाम सुना भी होगा, बॉलीवुड सिंगर है और हर तरह की सिंगिंग में अपना हाथ आजमा चुकी है। जितनी खूबसूरत वो दिखती हैं उतनी ही खूबसूरत आवाज की मलिका है। बचपन से ही इन्हें संगीत का जो खुमार चढ़ा वो अब तक चढ़ा ही हुआ है। और अभी बहुत ही कम उम्र की है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे कि आप पॉजिटिव वे पे ले सकती हैं कि बड़े बड़े सिंगरों के साथ वो गा रही हैं और बॉलीवुड में डेब्यू भी करने वाली हैं। मतलब म्यूजिक के साथ उन्होंने डेब्यू ऑलरेडी किया हुआ है। वेलकम टू आर शो, सुरीली बातें हम करेंगे आज मनाली चतुर्वेदी जी से। मनाली जी, हाउ आर यू डूइंग? Thank you so much. I'm so glad to be here. I'm very well. How are you? आई एम गुड टू। मनाली जी, आपकी तारीफों के बारे में तो मेरे को मतलब कि एक पूरी इतनी लंबी लिस्ट दी गई है कि मैं अभी शुरू Oh. करूं तो पूरा का पूरा शो खत्म हो जाएगा। तो No, इसीलिए I मैंने must सोचा say, कि जी 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 thank you आप very कहिए। much for the wonderful introduction, first of नहीं, all. बिल्कुल, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है मनाली जी। मैंने तो ये सोचा हुआ है कि हम धीरे धीरे जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपकी जो जो जी है ना सारी जो खूबियां हैं वो लोगों को बताते रहेंगे ताकि वो भी हमसे जुड़े रहें और आपकी आवाज भी सुने। बिल्कुल बिल्कुल. तो मनाली जी, सबसे पहले आप कैसा महसूस कर रही बहुत बढ़िया. एक्चुअली आई वाज इन हैं कीपिंग वेल आज? अंटिल यस्टरडे, लेकिन जी, मुझे पता आज चला। ये शो शो करना था, तो अब आप देख ही सकते हैं कि आई एम ऑल वेल. और बिल्कुल, म्यूजिक और से तो आप वैसे भी एनर्जी आ ही जाती है, यू नो. म्यूजिक म्यूजिक और म्यूजिक जब आप जैसे होस्ट हो इतनी तारीफ करने वाले, तो वैसी सारी बीमारियां दूर भाग जाती हैं. देखिए मनाली जी, सबसे पहले तो आप बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं और थैंक यू आप सो जहां मच. बैठी हुई हैं वो बैकग्राउंड भी मतलब कि कमाल का ही है। तो यस म्यूजिक यस फील तो आना ही आना है। तो मैं यस चाहूंगा मनाली जी, क्यों ना इस खूबसूरत शाम की शुरुआत एक खूबसूरत कुछ लाइनों के साथ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल. और इससे पहले कि आप कुछ सुनाए, मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने हुए हैं, तो मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं चाहूंगा जो संगीत की दीवानी मेरे सामने बैठी हुई है वो बताएं जी कि वो किस तरह से संगीत की दीवानी है, तेरी दीवानी गा के सुना दे। हाय हाय. जी हाँ जी बिल्कुल. इनफैक्ट बिल्कुल। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग ओ एंड वाह, ब्यूटिफुली सॉन्ग बाय कैलाश खेर. हम उन्हें बहुत फॉलो करते हैं. We've met several times here in Mumbai, और उनके काफी सारे गाने गाए हैं. Whenever I perform on the stage, हम काफी सारे उनके गाने गाते हैं. So this is one of my favorites too. तो ये गाना हम आपके लिए गाएंगे और ये आप लोग सुनेंगे एकदम विदाउट फिल्टर. So I would not be adding any instruments to it. It would be just my vocals to begin with, और फिर आगे जिस तरह से भी प्रोग्रेस होता जाएगा, हम लोग इसको आगे विथ म्यूजिक भी लेते जाएंगे. सो हियर इट गोज. प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी.
बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं होरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं होरी हाँ हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, हे मैं रंग रंगीली दीवानी, हे मैं अलबेली मैं मस्तानी, हे मैं दीवानी मैं दीवानी, गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं, हे मैं दीन धर्म से बेगानी, हे मैं दीवानी मैं दीवानी, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं होरी हाँ हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। सो दिस वाज वाह, तेरी दीवानी संग बाई कैलाश खेर। मतलब मैं जब सुन रहा था तो मैं एक पल के लिए बिल्कुल ही खो गया, और मुझे ऐसा ओ लगा कि कैलाश खेर साहब जो हैं फीमेल अवतार में आ गए हैं, और वो जी अपनी जी मतलब जो फील आया ना जो, और एक बात आपने कहा था गाने को गाने से पहले कि मैं विदाउट एनी म्यूजिक विदाउट किसी फिल्टर के यहाँ पे गाने वाले हूँ। तो जी दर्शकों, जी मैं आपको बता दूं कि मनाली जी जिस आवाज की मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि जितनी स्ट्रॉन्ग आवाज है उतनी ही खूबसूरत आवाज है। तो जो लय, जब आपकी आवाज इतनी ट्रेंड हो ना, जब आप इतने ट्रेंड सिंगर होते हैं तो आपको किसी भी म्यूजिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज
म्यूजिक लेकर के आता है। तो बहुत ही सुंदर, आपने क्या शुरुआत की है इस इवनिंग की मोनाली जी, बहुत थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया। मच, यू आर वेरी काइंड. इतने सारे अवार्ड आपने इतने कम समय में जीते, हर तरह की गायकी में आपने पांव फैला रखा है और बहुत ही अच्छा कर रही हैं, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो वेस्टर्न हो। और मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में थोड़े जी वेस्टर्न भी मैं सुनूंगा आपसे, वो आपको जाने नहीं दूंगा आज। और फिर आपने आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आप कहती हैं कि आपने नाना जी से बहुत कुछ सीखा, प्रेरणा लिया। नाना जी को मिस करती हैं? बहुत. ही इज माय इंस्पिरेशन एंड ही इज द रीजन व्हाई आई गॉट इनटू मेकिंग अ करियर इन म्यूजिक. तो आई वॉजन्ट ट्रेन्ड अर्लियर, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू लर्न अंडर द ट्रेनिंग ऑफ अनूप जलोटा जी, हु इज भजन सम्राट, द पद्म ग्रेट श्री लिविंग अनूप लेजेंड. जलोटा जी, क्या बात है, क्या बात द होल वर्ल्ड नोज हिम एंड द नेम इज इनफ. आई नीड नॉट से है। एनी थिंग अबाउट हिम. और उनकी तारीफ करने के लिए अभी हम बहुत छोटे हैं, लेकिन उनसे सीखने का मौका मिला, इसलिए हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट समझते हैं. सो तो आई यहाँ पे जी जी मनाली जी, तो जैसा कि आपने कहा कि नाना जी को आप बहुत मिस करती हैं, और फिर अनूप जलोटा जी जी का आपने नाम लिया। अनूप जलोटा, ऑफ कोर्स वी डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन फॉर हिम, बिकॉज ही जी जी हिमसेल्फ, जब म्यूजिक की बात होती है, और उनके बारे में भी बात करेंगे बाद में। तो नाना जी को जी कुछ लाइनें, मैं नाना जी के लिए इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जब नाना जी की मैं पता चला, आपकी मैं स्टोरी पढ़ रहा था, तो आपके इंस्पिरेशन आपके नाना जी हैं। मैं भी कुछ इस तरीके से अपने दादाजी से जुड़ा हुआ था, तो आई कैन आई कुड यू नो कनेक्ट माई सेल्फ विद दैट। तो ये लोग जो होते हैं ना, जो आपको बचपन से अपनी उंगलियां पकड़ के आपको चलाते हैं, सिखाते हैं सब कुछ, तो एग्जैक्टली और अचानक से उनका मतलब हमारा साथ छोड़ जाना, तो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति खड़ा कर देता है। दो लाइनें नाना जी को मैं चाहूंगा कि आप अपनी आवाज में जरूर पेश करें। जरूर. तो लाइक आई सेड, आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम माय नाना जी. आई परफॉर्म्ड एट द एज ऑफ 5, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेज शो. और वाह, हमारे यहाँ ये है कि आई बिलोंग टू अ वेरी स्पिरिचुअल फैमिली. माय नाना जी वाज अ ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर, तो उनसे हमने सीखा. और हमारे घर में रामायण का पाठ होता है जिसको गाकर किया जाता है, तो हमारे घर में हम लोग भजन गाते हैं, रामायण गाते हैं. तो इस तरह से हमने सीखना धीरे धीरे शुरू किया. सो माय नाना जी बीइंग माय फर्स्ट गुरु, आई वुड जस्ट लाइक टू डेडिकेट वन वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग टू हिम. दिस सॉन्ग इज सॉन्ग बाय लता जी. सो हियर इट गोज. क्या बात है, तो क्या बात है। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब तुम दे दो, इन आँखों का हर अच्छी बात है, एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो. अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारी गम को अपना गम बना लूं तो करारा है, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करारा है, वो हर शे जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो. अगर मुझसे मोहब्बत है. या सो दीज वर द फ्यू लाइंस फॉर माय नाना जी. एंड आई कुड जस्ट सी अनूप जी जॉइनिंग अस.
जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा आपके इस मधुर वाओ, गाने के बीच में ही हमारे अनूप जलोटा जी जुड़े। सबसे पहले व्हाट अ मैं प्लेजेंट अनूप सरप्राइज. जलोटा भजन सम्राट जी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार करें सर। ये उस नमस्कार, दौर के आपका महान प्रणाम. उस दौर के महानायक है अनूप जलोटा साहब, जब फिल्मी गानों से ऊपर ट्रेंड करने लगा था भजन। मेरा हो गई मगन हर घर पे पहुंच गया, और जग में सुंदर है दो नाम घर घर का हर बच्चा गाने लगा। तो ऐसे मधुर संगीतकार को, ऐसे महान महान सिंगर को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी खुशकिस्मती है, और दर्शकों आप सब जो भी देख रहे हैं, आप सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और अनूप सर, आप जुड़े हमारे साथ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है आप बहुत बिजी हैं, आप शूटिंग पे हैं, आपके इवेंट्स इस कोरोना काल पे भी इतने ज्यादा हो रहे हैं सर, इस उम्र पे आप छाए हुए हैं, मतलब कुछ कहना ही नहीं है। इंद्राणी जी, मैं आपको सौंपता हूं, आप जरा बताइए हम सबों को क्या हो रहा है। हाय अनूप जी, क्या वेलकम हाल है बैक. इंद्राणी जी, कैसे क्या हो हाल है? आप? मजे में हो आप? ठीक है, बस ठीक ठाक. वी आर सो सो एक्साइटेड टू हैव यू. बट पहले अनूप जी ये बताइए, कैसा लग रहा है कि आपकी स्टूडेंट जो है, इट मस्ट बी अ रियली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर यू, यू नो, टू बी एबल टू लिसन टू हर लाइक दिस एंड टू सी हर लाइक दिस. आई मीन यू मस्ट बी सो प्राउड. मनाली ने तूफान मचा रखा है दुनिया में आजकल। गुड, इतना अच्छा गा रही थैंक है, यू. जगह जगह इसके प्रोग्राम होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं। बस हमको यही तो चाहिए था, जब शिष्य इतना नाम करे तो गुरु को तो खुशी होगी ना। 100% अनूप जी, मतलब जो आप आज मॉर्निंग में जब मैंने मैसेज किया, तब इसीलिए, यू नो, द फैक्ट दैट यू यू वांटेड टू कम, एंड द रीजन बीइंग दैट इज ऑफ कोर्स, यू नो, मनाली बीइंग योर स्टूडेंट, एंड आई थिंक दिस इज फॉर यू मनाली, इट मस्ट बी अ सच अ बिग इंस्पिरेशन एज वेल, दैट यू नो दैट Absolutely, I अनूप. am so privileged, and I really cannot express. But then, Anoop ji, this would not have been possible without you. All my learning, they come from you, and thank you very much. I cannot thank you enough. मैं I ना know, तो Anoop, इंद्राणी Anoop. जी को मना कर सकता हूँ, ना मनाली को मना कर सकता हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, मना मॉर्निंग मत में करिए कभी भी. कभी नहीं, कोई चांस ही नहीं. मैं तो अनूप जी को वो चांस ही नहीं देती हूँ. मैंने बोला ना हाँ, मनाली, मौका नहीं देंगे मैं हम कोशिश लोग. कर रहा था, कोशिश कोशिश का चांस ही नहीं है. क्रिसमस का हम लोग का गिफ्ट चाहिए, यू हैव टू बी देयर. हाँ, एंड वी हैव गॉट द एब्सोल्युटली, गिफ्ट. थैंक यू थैंक यू फॉर सो कमिंग सो अनूप मच जी, अनूप थैंक जी. यू. पर अनूप जी, बहुत अच्छा एक तो लगा गाना मुझे। बनता है ना, बस हम लोग के लिए, मनाली के लिए मैं आपको एक दो गाना. लाइन सुनाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल. जहाँ बैठा हूँ वो भी आप देख लीजिए, डाइनिंग डाइनिंग टेबल पे हम ओहो, लोगों की पार्टी चल रही है ओह आईपीसी। हाँ, मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको दो लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल, प्लीज. जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर ढिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। चलिए, बहुत मुबारक, अच्छी तरह प्रोग्राम करिए थैंक यू सो और मनाली के यू. गाने सुनिए और बिल्कुल, थैंक यू थैंक सो मच. आई यू, विल गेट थैंक बैक टू यू. यू, बट थैंक यू सो ओके मच फॉर ज्वाइनिंग जी, अस. थैंक यू थैंक यू फॉर दिस थैंक यू ब्यूटीफुल अनूप जी, गिफ्ट। प्री बाय, माय क्रिसमस गिफ्ट के प्लेजर, लिए शुक्रिया. माय प्लेजर। थैंक यू, सी यू. वाओ मनाली, दैट मस्ट हैव बीन सच एन ऑसम, सो सच काइंड अ ऑफ हिम. वंडरफुल पर्सन. आई यू नो, कुड सी ही एवरी वाज टाइम बिजी. मैंने उनको वही बताया, जब मैंने लास्ट टाइम उनका प्रोग्राम किया था ना, तो आई हैड टोल्ड हिम दिस, दैट ही इज वन ऑफ दोस सेलिब्रिटीज, यू नो, जब भी मैंने कॉल किया, जब भी अनूप जी ये चाहिए, अनूप जी, ही हैज ऑलवेज रेस्पॉन्डेड, एंड दैट इज हिज ग्रेटनेस, एंड दैट्स व्हाई, यू नो, यस ही यस स्टैंड्स अपार्ट.
That's true. But beautiful Very program going on, Bridji and Manali. I'll hand it over to Bridji again and carry it forward, Bridji. Well, it's lovely. Thank you. Thank you. तो अभी हमारे महान लेजेंड सिंगर आए और सबकी सांसें रुक गई है कि नहीं. जी. मनाली जी, मैं भी जब उनसे बात, मैंने जैसे ही सामने देखा ना, अरे कौन अनुज जी, अरे इसी इसी महानायक के गानों को सुन सुन के हम बड़े हुए हैं. Yes, और मैं जैसा कि बता रहा था, वक्त नहीं मिला अनूप जी से बात करने का, बहुत बिजी है. लेकिन एक ऐसा भी शो होगा जिसमें अनूप जी भी आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस भी किया है, वो फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ. बिल्कुल. तो वो ये दौर था, मैं आता हूँ आप पे, लेकिन वो एक दौर था जब फिल्मी गाने पीछे रह गए थे और हर बच्चा बच्चा गा रहा था, है कि नहीं. मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, तो वो एक दौर. क्या बात है. आइए बैक टू, हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं थोड़े, अपनी सांसों को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं. जो अभी ये जो गूज़बम्प्स, हाँ गूज़बम्प्स आ रहे थे ना, ये जो सब खड़े हो गए, ये देखो आप. तो आई एम ओवरवेल्म्ड. तो ठीक है. तो जी हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत गाना आपने अपने नाना जी को डेडिकेट किया. और मैं आपको बताऊं कि आपकी जो म्यूजिकल जर्नी शुरू हुई पुणे से शुरू हुई, राइट? पुणे में मतलब बचपन से आप गाते थे, फिर पुणे आप आए, फिर पुणे में आपने प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी शुरू की. वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे थोड़ी सी इसके बारे में कि कैसे ये कहानी आखिरकार शुरू कैसे हुई. जी, पुणे में हमने सीखना शुरू किया, लाइक प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग फ्रॉम मिसेस अंजना वाड़ेकर जी. और उन्हीं के साथ साथ हमने मुंबई में अनूप जी से सीखना शुरू किया. सो इट्स बिन ऑलमोस्ट अराउंड 6 years आई एम लर्निंग फ्रॉम अनूप जी एंड परफॉर्मिंग विद हिम इन एंड आउटसाइड इंडिया. तो जब हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, क्लास के लिए जाते हैं उनके पास, तब तो सीखने को मिलता ही है. बट इवन वाइल वी आर परफॉर्मिंग विद हिम ऑन द स्टेज, ऑफ द स्टेज, सो ही हैज यू नो ऑल दीज पॉजिटिव वाइब्स की उनको देख के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अच्छा, मैं आपको आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि आपने जैसे बताया अनूप जी तो है ही लेजेंड, और आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया हर, अच्छा इतनी कम उम्र में आपने, जो मैंने जो पढ़ा है आपके बारे में कि आप पुणे में थी, पुणे में 5 दिन आप अंजना जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अंजना जी से वहां सीखती थी, और वीकेंड में फिर आप अनूप जलोटा जी के पास मुंबई में आती थी. Correct. और वहां पे तो ये जो पैशन है आजकल के नवयुवाओं में, मुझे नहीं लगता कि बहुतों में है, लेकिन आपने उसे रखा, मतलब इतना मेहनत, काम है, स्टडी है, उसके बावजूद ये जो म्यूजिक है आपके अंदर जो बह रहा था, जो पैशन, जो सीखने की ललक थी, उसने आपको पुणे से मुंबई का ट्रेवल कराना शुरू किया और अंततः अब आप मुंबई शिफ्ट कर गई हैं, राइट? यस, करेक्ट करेक्ट. सो लाइक यू सेड, मतलब आपने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है हमारे ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल. like मैं ऐसे said, नहीं आता, मैं ऐसे आता ही नहीं. यही आपकी खूबी है. जी, so I would travel to Mumbai on the weekends, Saturday Sunday यहाँ पर रह के अनूप जी से सीखते थे, and then I would go back. फिर मंडे से फ्राइडे वहां पर रहते थे, वहां सीखते थे. सो दिस वुड गो ऑन, एंड देन शोज हमारे बढ़ते गए. लकीली लोगों को हमारी आवाज पसंद आने लग गई, तो शोज बढ़ते गए. सो दैट इज व्हेन अनूप जी सजेस्टेड मी कि अब तुम्हें यहाँ मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए, एंड विच इज व्हाई आई शिफ्टेड माय बेस टू मुंबई लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो अभी मुंबई में ज्यादा टाइम हुआ ही नहीं था, लाइक आई वर्कड फ्रॉम जुलाई टू फरवरी, और मार्च में ये लॉकडाउन हो गया. लेकिन इस लॉकडाउन ने भी बहुत कुछ सिखाया. आई गॉट एनफ लॉकडाउन. जी, आपने लॉकडाउन जब बोल ही दिया ना, जी लॉकडाउन जब आपने बोल ही दिया है, तो लॉकडाउन बोला है ना, तो आपने कोरोना पे 3-4 गाने भी आप गाए हैं. तो मेरे को वो गाना बहुत ही पसंद आया था जो आपने फ्रंट वॉरियर्स के ऊपर पे गाया, जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सों को डेडिकेट किया था. तो मैं चाहूंगा कि 2 लाइन आप वैसे ही गुनगुना दे हम सबों के लिए, मजा आ जाएगा. उसकी सुना देते हैं हम आपको. तुम क्या जानो दो चुटकी सिंदूर का मतलब, तुझे ना देखूं तो आंखें भर आती हैं डब डब,
नजरों में रहो पर दूर रहो, मेरी फिक्र करो मुझसे भी कहो, कुछ दिन के लिए मेरी जान पास ना हो। कोरोना खुद की मौत मरेगा ये सबको समझाओ, कोरोना खुद की मौत मरेगा ये सबको समझाओ। सो दिस वॉज अ सॉन्ग कंपोज्ड बाय द वेरी फेमस काशी कश्यप जी। He is in the music industry since the last 30 years. Mm-hmm. And at the moment, I am singing a lot of songs for him, like mm-hmm. The singles and upcoming movies as well. So, lockdown mein ab hum log kuch aur to kar nahi pa rahe the, lekin Kashi sir ne humko ye wala gana gaane ka mauka diya. Isliye hum unko bhi thank you bolna chahte hain aapke show ke madhyam se. ये तो एक सबसे प्यारी बात आपकी क्या है पता है कि शुक्रगुजार होना। और ये जो आजकल अब जो हम स्पेशली नवयुवाओं की अगर बात करें, जो यंग जनरेशन है, आई थिंक इस बात को भुला देते हैं कि कहीं पे जो भी आपको ऊपर की तरफ ले जाता है उनको कभी आप भूलो मत, उनको याद रखो। और मैं जब भी आपसे बातें कर रहा हूं तो आपकी बातों में अगर आप 100 लाइनें बोल रही हैं तो उन 100 लाइनों में 90 लाइनें थैंक यू वाली होती है। तो बहुत कुछ सीखने को है हमें आपसे भी, और बहुत कुछ सीखना है अभी और आगे। सुखविंदर सिंह एक बहुत बड़ा नाम बॉलीवुड में, जी, कैसे जी, मिली और कैसे वो मेंटर बने, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा उनके बारे में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सुखी जी से, अच्छा अब हम भोले बाबा के भक्त हैं, पूजा उन्हीं की करते हैं, उन्हीं के भजन गाते हैं। So, श्रावण का महीना था लास्ट ईयर, और सुखी जी की यहाँ पर उन्होंने घर में पूजा रखी हुई थी, क्योंकि वो भी भोले बाबा के भक्त हैं, और उन्होंने घर में अपने ये भजन और पूजा ये रखा हुआ था, जो आखिरी सोमवार होता है, चार सोमवार में से हम लोग व्रत करते हैं, तो उसमें से उन्होंने एक सोमवार को जो पूजा रखी थी उसमें हम इन्वाइटेड थे। एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम। वेरी लकीली उनके साथ में हमारा काफी कुछ शोज भी शुरू हो गए, फिर जैसे अभी मतलब इट्स लाइक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक हम लोग कितना कुछ हर किसी इंसान से सीख सकते हैं। तो सुखी जी की हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम उनके साथ में, एंड वी वर जस्ट सिटिंग। अब हमें ऐसे खड़े होके गाने की आदत है माइक पे, सुखी जी को बैठ के गाने की आदत है, ट्रैक चल रहा था, सो हमें ऐसा लगा कि वो शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोबेबली इट इज अ रिहर्सल, क्योंकि वो इतने ऊंचे सुर भी बहुत ईज के साथ में गा लेते हैं। सो आई थॉट इट इज जस्ट अ रिहर्सल, लेकिन वो फाइनल टेक था। सो इट वॉज वेरी वंडरफुल कि मतलब ऐसे ही आराम से बैठे हुए ऊंचे ऊंचे सुर लगा रहे हैं, एंड इट इज अ फाइनल टेक विदाउट एनी रिहर्सल। तो हमने फिर उनसे भी सीखना शुरू किया, और आई हैव दिस क्यूरियोसिटी कि हम हर किसी को बोलते हैं प्लीज कुछ सिखा दीजिए, या हमारी कोई गलती हो, कोई खामियां हो, तो इसको कैसे सुधारना है ये बताइए। तो फिर हम उनके पीछे पड़ गए कि अब आप बताइए कि हमारी सिंगिंग में क्या कमी है, ये कैसे दूर करना है। तो फिर इस तरह से हमने उनके साथ में भी शोज और रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए। पता है क्या, ये जो सीखने की ललक है ना, यही जी, आपको जी। मेरे को लगता है कि मनाली चतुर्वेदी बना पाया है, क्योंकि ये सीखने की ललक, ये जो ललक होती है और उसे पाने की जो इच्छा है, अगर हम सब अपने अंदर पैदा कर लें तो एक न एक दिन मनाली चतुर्वेदी बन जाएंगे। अच्छा मैं आपको ऐसे नहीं जान लूंगा, सुखविंदर सिंह का एक गाना है, बड़ा ही प्यारा सा गाना है उनका, दिलहरा रे, सॉरी मैं अपनी बेसुरी आवाज में नहीं सुनाऊंगा लोगों को, तो आप, नहीं, नहीं। आप अगर उस गाने को सुना दें, और जो भी गलती हो जाए प्लीज माफ कर दीजिएगा। सुखी जी से तो पहले ही माफी मांग लेते हैं हम। यू कैन डू इट।
छप्पन तारे तोड़ना चलू, सूरज चंदा ओढ़ना चलू, अब तो ताबड़ तोड़ना चलू, मैं तो बंजारा रे। छप्पन तारे तोड़ना चलू, सूरज चंदा ओढ़ना चलू, अब तो ताबड़ तोड़ना चलू, मैं तो बंजारा रे। मस्ती का मारा मैं किस मेले में पहुंच गया हूँ, कोई तो रोको खो जाऊं रे। दिल हारा रे, दिल हारा रा, दिल हारा रा, मैं हारा हो यारा रे। दिल हारा रा, दिल हारा रा, मैं हारा हो यारा रे। दिल हारा रा, दिल हारा रा, मैं हारा। हाँ जी, दिस इज व्हाट आई आई वाज थिंक सेइंग, यू नो, दिस शुड बी इनफ। नो, व्हाट आई एम सेइंग, यू नो आई मनाली, वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एट ऑल। No, I'll tell you, Manali. Sorry if I surprised you, but I was sure, and I'm pretty sure the audience certainly have loved it because I can see the comment, and there are people saying, "Kya baat hai Manali? What talent you? What Thank a talent you. You are!" You know, and there are a lot bahut of bahut shukriya. There are a lot of beautiful comments coming, and I'm telling you, because we are in a chat, we are interacting, and we are also trying to sing. So, unfortunately, people, we are not able to read all the comments, but हाँ, आपके प्यारे messages आ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं उसे. और क्या खूबसूरत गाया यार, बहुत ही मजा आ गया. मतलब, you have done a complete justice to this song. I haven't heard any female singing this Sukhvinder Singh Ji's song. But you did it so well. अच्छा, एक गाना मैं properly आपसे सुनना चाहूंगा, और वो गाना है बुलिया, कमली. जरूर 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 जरूर। तो बिना बिना किसी तो देर के मैं आपसे सुनना चाहूंगा वो गाना, बहुत ही प्यारा अब सा गाना पुराने है. गानों के साथ साथ हम कुछ नए गाने भी गाई लेते हैं, ठीक, जिससे सब तरह की ऑडियंस को हम एंटरटेन कर पाए। बहुत बेहतरीन गाती है आप जी. मैं रुठिया यार मनावांगी, हर चिल मन फूक जलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी। निर्माहिया सनम जानम कि मैं करिया नमी दानम, शब गुजरे ते जग सोया कि मैं जगिया नमी दानम। निर्माहिया सनम जानम कि मैं करिया नमी दानम, शब गुजरे ते जग सोया कि मैं जगिया नमी दानम। नि मैं कमली कमली, नि मैं कमली कमली, नि मैं कमली कमली मेरी यार दी, नहीं मैं कमली कमली, नहीं मैं कमली कमली, नहीं मैं कमली कमली मेरे यार दी। झील दिल को कर गया तू दरिया, दरिया मेरे यारा, झालर मजतारों का चंद परगा तू यारम, शब गुजरे ते जग सोया नहीं मैं जगिया नमी दानम। मेरे माहिया सनम जानम कि मैं करिया नमी दानम, शब गुजरे ते जग सोया नहीं मैं जग मैं तो पहन के साफा के सरिया जुगनी जोगर बन जाऊं, सुरमे दे काले जादू से कह दे तो जोग बुलाऊं। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, मैं तो पहन के साफा के सरिया जुगनी जोगर बन जाऊं, सुरमे दे काले जादू
से कह दे तो जोग बुलाऊं, मैं तो शहर दी ठंडी शबनम हां गुलशन का इत्र चुराऊं, रुख बदलूं तो सैलाब मैं पर्वत भी चीर दिखाऊं, ए मैं कमली कमली ने मैं कमली कमली ने मैं कमली कमली मेरे यार दी, ए मैं कमली कमली ने मैं कमली कमली ने मैं कमली कमली मेरे यार दी, बेखुदी में तू खुदी का दरिया दरिया मेरी यारा, चादर में सितारों का चंद वर्गा तू यारम, शब गुजरत जग सोयानी मजगियां मीदानम, मेरे माहिया सनम जानम कि मैं करियां मीदानम, शब गुजरत जग सोया निम जगियां मीदानम, निम कमली कमली निम कमली कमली निम कमली कमली मेरी यार दी, निम कमली कमली निम कमली कमली निम कमली कमली मेरी यार दी। So, this was Kamli from the movie Dhoom. Dhoom, I hope हमने धूम मचा दी है। बिल्कुल बिल्कुल धूम मचा दिया और इस तरीके से धूम मचाया, क्या मुझे सुन पा रही है मनाली जी? पहले तो ये क्वेश्चन है जी और इस तरीके से आपने धूम मचाया कि अब मैं क्या बताऊं। लोग कहते हैं कि शराब पुरानी होती है तब जाकर के महंगी होती है, यहाँ तो शराब बनते ही मतलब महंगी हो गई है। मतलब आपकी उम्र और आप और इस तरह के डिफिकल्ट गाने इतनी बखूबी गा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? जावेद अली के साथ आप ऑलरेडी गाने कर चुके हो, जावेद अली इतने पॉपुलर सिंगर, उनके साथ आप गाने गा चुके हो, सपना चौधरी के लिए गाने गा रही हो, मतलब क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? जावेद अली की बात थोड़ी मतलब बताए हमें, कमाल ही हो रहा है, मतलब कमाल ही हो रहा है, मतलब हमें तो हमें खुद लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि टचवुड बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ अच्छा हो रहा है। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि हमें बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिसमें से आप भी एक हैं, तो सब कुछ इतना अच्छा अच्छा होते जा रहा है, बस आप लोग भी इसी तरह से अपने बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा जिससे हम और आगे बढ़ते जाएं, इसी तरह से आप लोगों का एंटरटेनमेंट करते जाएं। तो जैसे कि आपने बताया कि जावेद अली जी के साथ में हमने एक डुएट रिकॉर्ड किया है और सपना चौधरी के लिए भी हमने एक गाना गाया है, सो अगेन दीज टू सॉन्ग्स आर कंपोज्ड बाय काशी कश्यप जी। क्या बात, काशी सर ने हमारे ऊपर बहुत भरोसा दिखाया है एंड हमें आगे बढ़ने का बहुत मौका दे रहे हैं वो, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और ये दो गाने भी उन्होंने ही हमसे गवाए हैं। द मूवी इज येट टू बी रिलीज्ड, इट विल बी रिलीज्ड नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। नो आई अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंशियलिटी इज देयर सो यू कांट टेल एक्चुअली और डिस्क्लोज द नेम और सिंग द सॉन्ग, एब्सोल्युटली फाइन, नो वरीज। अच्छा सुधीर कुमरा जी कह रहे हैं कि मनाली जी कुड यू प्लीज सिंग एनी ऑफ योर फेवरेट ऑफ आशा जी। अच्छा आशा जी के बारे में, आशा भोसले जी के बारे में तो बात करेंगे, आप उनसे मिली भी हैं, तो आप उन खुशकिस्मत इंसानों में से हैं जो उनसे लिटरली मिली हैं, उनके साथ आपके फोटोज भी हैं, बताए कुछ और मैं जरूर सुनना चाहूंगा आशा जी का, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ और बाद में आप मेरे को ये मत करना कि ब्रिज यार क्या करते हो, मतलब ऐसे ही गाने फेंक देते हो, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगा पर्दे में रहने दो पर्दा न उठाओ, चलिए सुनाए जरा आशा जी के। और अब ये गाना भी, इस गाने का नाम ले लिया है तो हम यही सुना देंगे और यही गाना गाने की गुस्ताखी करेंगे हम अब। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा, उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा,
हाय, मतलब कि सिर्फ एक्टिंग गाना बंद ही कर नहीं था। रखी है इस गाने अरे पे। अरे अरे, इस गाने पे मैं तो खड़े होकर नाचने वाला था, लेकिन अब क्या करूँ, ये हेडफोन हेडफोन लगा हुआ है, नहीं तो मैं तो खड़े होकर झूम भी लेता। और जब इस तरह के गानों की बात होती है ना, तो जब हम पुराने दौर पे चले जाते हैं, और आशा जी भोसले और भी जितने सिंगर्स थे, उस समय हर गाने का मतलब होता था, हर गाने में जोश होता था। अब इसी जी बात पे मुझे अभी ना क्या है कि जब आपकी मधुर आवाज सुन लेता हूं, तो मन करता है कि एक और गाना हो ही जाए, लेके पहला पहला प्यार, अरे हो जाए हो जाए। आइए अब आपको हम सब अपने अपने पहले प्यार को याद कर लीजिएगा। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, आपको आपको एक बात बताऊं मनाली जी, बिफोर यू सिंग दिस जी सॉन्ग, जी जी संगीत फाउंडेशन इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। ओके, मेंटल हेल्थ के बारे में है, राइट तो राइट मेंटल हेल्थ के बारे में भी आपसे मैं जानना चाहूंगा बिफोर यू सिंग दिस सॉन्ग। जरूर मुझे जरूर तो ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ, जब आप मुस्कुराते हैं, जब हंसते हैं, जब लोगों के साथ अपनी खुशियां शेयर करते हैं, और लोगों के साथ मिलकर के कुछ हंगामा करते हैं, तो आपका मेंटल हेल्थ ऐसे ही फिट रहता है। आप सुनाएं, आप कैसे रखती हैं एब्सोल्युटली अपने आप को फिट? बिल्कुल सही कहा आपने। और हम ये हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं कि बस खुश रहें, आसपास जितने लोग हैं सबको खुश रखें, गाएं सबको गवाएं, जो नहीं गा सकते उनको अपने गाने सुनाएं। और सबको बट नचाए। हाँ हाँ बिल्कुल वो बहुत जरूरी है यार। तो ना मतलब ये लोग आधा टेंशन तो वहीं अपने आप भूल जाते हैं, सारा स्ट्रेस तो बिल्कुल वहीं खत्म हो जाता है। एकदम तो सही। ये फॉलो करना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप और में जैसी आप शांत गाएंगी रहें। ना, लेके पहला पहला प्यार, तो ये जो पहले प्यार की याद है ना, लोगों को स्ट्रेस बस्टर देता है। मुझे लगता है कि जब वो पहले अपनी प्यार करेक्ट की दुनिया में खो जाएंगे ना, एक बार कॉलेज के दिन करेक्ट में चले जाएंगे, वो आशिकी का दौर, जब राहुल रॉय की तरह लोग बाल बिल्कुल रखते थे, है ना, तो बिल्कुल एक बार हो जाइएगा ना फिर तो, आइए आइए सुन मुझे तो सकते मजा आने वाला है। हैं। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में को मार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में को मार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार उसकी दीवानी हाय कब कैसे हो गई, जादूगर चला गया मैं तो यहाँ खो गई। उसकी दीवानी हाय कब कैसे हो गई, जादूगर चला गया मैं तो यहाँ खो गई। नैना जैसे हुए चार, गया दिल का करार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में को मार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते।
हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते, लेकिन नसीब लाई हूँ एक सौगवार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। वाओ, तो वाओ। पहले पहले प्यार के साथ में हमें इंतजार भी याद आ गया, इसीलिए हमने ये अफसाना भी सुना ही दिया आपको। मतलब स्ट्रेस फ्री करने के लिए कहा था, आपने स्ट्रेस फ्री भी किया, थोड़ा बहुत स्ट्रेस दे भी दिया, क्योंकि अब अफसाना लिख रही हूँ। क्या बात है, क्या आवाज है। और दोस्तों जो भी फेसबुक पे देख रहे हैं, जो भी फेसबुक पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि आपके सामने जो बैठी हुई महिला, नहीं लड़की मैं कहूंगा, क्योंकि इनकी उम्र काफी कम है, और इन्होंने अब तक बेहतरीन अंदाज से गाया है। और गाने को जो जब आप सुन रहे होंगे, तो एक चीज आपने नोट की या नहीं की, मैं तो बहुत नोट करता हूं, मैंने ये नोट किया कि इनकी मुस्कान कभी नहीं गई। गाना तो चल रहा था, लेकिन वो मुस्कान बदस्तूर जारी रहा। तो जब मैं सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन मुझमें आप में ना नेहा कक्कड़ की झलक दिख रही थी। नेहा कक्कड़ भी जब गाती है तो पूरे तरीके से उनकी पूरी, मतलब कि यू कैन सी दैट द होल बॉडी एक्चुअली सिंग्स, इजंट इट। तो अभी भी जब आप गा रही थी तो आप पूरी तरीके से गाने में घुसी हुई, और ये बहुत सारे सिंगर्स में नहीं होता आज के जमाने में। तो मैं तो बस यही दुआ करता हूँ रब से, ये दुआ है मेरी रब से, और दुआ ये है, ये दुआ है कि आप आगे बढ़ती जाएं और ऐसे ही धमाके करती जाएं, फोड़ती जाएं। अब मैं आता हूं वापस स्टेज शो पे, पहला स्टेज शो अनूप जलोटा जी के साथ, याद है जी, 6 साल पहले यही मुंबई में अंधेरी भवंस कॉलेज, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमें भी उनके साथ स्टेज पे जाना है और गाना है। अच्छा, अनूप जी के साथ में ये बहुत खास बात है कि आपको रोज सरप्राइज मिलते हैं। आप जब भी उनके साथ में रहेंगे, आपको एवरी मोमेंट यू विल गेट सरप्राइजेस, और आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। इट्स ऑल सो अनसर्टन एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो ऐसे ही उस दिन भी यही हुआ कि हमें पता नहीं था, उन्होंने बोला कि चलो साथ में। हमें लगा कि हम तो बस, क्योंकि हम उनके स्टूडेंट हैं, हम सीख रहे हैं उनसे, हम इस लायक नहीं हैं कि उनके साथ स्टेज शेयर कर पाए। तो हमने सोचा कि हम तो एज ए ऑडियंस ही जा रहे हैं, बस सुनेंगे, मजे लेंगे। तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम तो हमारे साथ स्टेज पे बैठोगी। तो फिर बैठ गए, लेकिन उस दिन हमने पहली बार ही सीखा कि अच्छा, अनूप जी के साथ में किस तरह से गाया जाता है। तो वो भी सरप्राइज ही रहा, वो भी सरप्राइज था। हाँ, स्टेज पे, मतलब हम स्टेज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया प्यारा एक्सपीरियंस था वो। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड, सरप्राइज करूं आप, आपको आपको अनूप जी सरप्राइज करते हैं, मैं आपको सरप्राइज करता हूं। मुझे तो वो गाना भी मालूम है जो आपने स्टेज शो पे किया था, राम नाम अति मीठा। जी 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 जी, तो सुनेंगे, तो सुनेंगे। आप पहले, हाँ हाँ पहले बताओ, फिर हम सुनेंगे इस गाने की दो लाइनें तो जरूर सुनेंगे आपसे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अपने नाना जी से, हम लोगों ने घर में भजन और रामायण ये सब सीखना शुरू किया था। तो सबसे पहला ये अनूप जी का भजन हमारे नाना जी ने हमें सिखाया था, क्योंकि वो राम भक्त हैं और हनुमान भक्त हैं, तो ये सारे भजन हम लोगों को सिखाते थे और हम लोग गाते थे। तो सबसे पहले हमने ये उनसे सुना था, और फिर जब हम अनूप जी के पास में सीखने के लिए आए, उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें कोई भजन आता है तो सुनाओ। तो हमने उनको ये भजन सुनाया है, तो बोले तुम्हें पता ही हमारा भजन है। तो तब तक हमें नहीं पता था कि ये अनूप जी का भजन है। फिर हमें वहां पता चला कि अच्छा ये तो अनूप जी का भजन है, और हम जितने भी भजन गा रहे थे अननोइंगली ये अनूप जी के भजन थे। बिल्कुल, तो मतलब भजन सम्राट जाने के पहले ही हम उनके स्टूडेंट थे। बिल्कुल, अब ये देखिए ना, भजन सम्राट अब उनको बोला गया है। अब कितने भजन सम्राट हैं इंडिया में, अकेला ओनली वन भजन सम्राट अनूप जलोटा पद्मश्री साहब है ना। और उनके बारे में तो बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियां मैंने सुनी है, मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूँ।
बस छोटी सी मैं उनकी ये कहानी बताता हूँ। किशोर कुमार साहब को वो गवाना चाहते थे, अनूप जलोटा साहब, अपनी किसी अपनी म्यूजिक डायरेक्टर ये पे। तो किशोर कुमार आए, किशोर कुमार अपने बेटे अमित कुमार के साथ आए। वो जैसे ही आए उन्होंने अमित कुमार को कहा कि बेटा पहले पैर छुओ इनके, जो अनूप जलोटा है उनके पहले पैर छुओ, इन्हीं के भजन सुन सुन के तुम बड़े हो रहे हो, है ना। तो ये एक वो दौर था जब अनूप जलोटा ही अनूप जलोटा हर घर पे थे, करेक्ट और आज करेक्ट भी वो किशोर कुमार के भी कुछ गाने गाते हैं, मैंने उनकी कुछ गाने सुने हैं, चिंगारी। तो इतना मधुर उनका जो अंदाज है, अपनी अंदाज में गाते हैं और एक अलग ही आता है। खैर, अनूप जलोटा साहब के बारे में बात करेंगे तो 2 दिन हमारा पूरा शो निकल जाएगा, लेकिन उनकी बातें एपिसोड खत्म नहीं निकल होगी। जाएंगे. लेट्स कम बैक टू यू, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, लेट्स पुट इट दैट वे, है ना। तो आप तो धमाके पे धमाके कर रही हो, और मुझे सुना वहां वो मैं भूला नहीं, वो राम नाम अति मीठा जो आपने पहला स्टेज शो गाया जी था, जी तो 2 लाइनें जी जरूर सुना है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले. राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले. आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले. हो राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले. आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले. हो राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है. इसकी जो पंक्तियां हैं इस पे सब लोग गौर करिएगा, बहुत ही प्यारी लिखी हुई, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं. जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए. जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए. अपने मन मंदिर में जो जला के देख ले. अपने मन मंदिर में जो जला के देख ले. आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले. हो राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले. आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले. हो राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है. वाह 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 वाह, राम नाम अति मीठा है, मतलब सच में मीठा है, और आपकी आवाज में जो मिठास है उसने राम नाम को और भी मीठा कर दिया है। अच्छा, बहुत मेरे बहुत को एक बात, शुक्रिया. एक बात मेरे को समझ में नहीं आती कि अभी अभी आपने धूम का वो गाना गाया, बिल्कुल ही मॉडर्न, और बिल्कुल उस पे आप ढल गई, और अचानक से मैंने आपको कहते हैं ना कि चेंज करने के लिए कहा कि आप भजन पे आ जाओ, जी और जी आपने उतनी जी खूबसूरती से गाई, तो ये तो मतलब कि भगवान का वरदान है, मैं कहूंगा। आपकी तो मेहनत है ही है, पर माँ सरस्वती की कृपा भी आप पे उतनी ही है, और वैसे ही बनाए रखे माँ सरस्वती आप पे कृपा। जी जी मैं बताऊं, जब मैं सुन रहा था ये गाने तो खोना बिल्कुल ही लाजमी है। लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मतलब कैसे, जो मैं कह रहा हूँ वही बिल्कुल लोग भी कह रहे हैं। तो जब मैं जी वैरायटी पे वैरायटी लोगों को दे रहा हूं ना, तो एक वैरायटी और हो जाए, थोड़ा चैलेंज। आज आज मैं ना चैलेंज चैलेंज खेल रहा हूँ, चैलेंज चैलेंज, अच्छा हाँ, कि मैं आइए चैलेंज करूंगा आइए. आपको, आपको आ जाओ मैदान में, आज मैं चैलेंज करने वाला हूँ ये गाना। हाँ ठीक भाई, है. हाँ तो ठीक है, मनाली तैयार हो तो मैं अगला क्वेश्चन फेंक रहा हूँ 1 करोड़ के लिए। क्या बात है. तो 1 करोड़ के लिए सवाल है, और सवाल ये है कि हमने हिंदी में तो आपसे बहुत गाने सुने, भजन भी सुन लिया, जी थोड़ा आपने जी सूफियाना भी सुना दिया, हमें थोड़ा फॉरेन वॉरेन का कुछ सुना यार, मतलब कि फॉरेन हम वाली कोई बात हो बिल्कुल जाए जरा। हमने सुना है कि आप आप फॉरेन वॉरेन फॉरेन की, में बैठे हैं तो हम फॉरेन का हाँ भी कुछ यूके में, सुनाएंगे आपको. भैया जब अपनी देसी लड़की ना, बिल्कुल अपनी देसी लड़की कुछ फॉरेन सुनाएगी तो उसकी जो खिचड़ी बनती है ना, और उसका जो हाँ मजा है ना, वो अलग ही बात है।
लेट्स डू इट मना। तो अब जो फॉरेन वाला गाना हम आपको सुनाने वाले हैं उसमें भी आपको खिचड़ी मिलेगी, एक उसमें भी वैरायटी मिलेगी। चलो जी ठीक है। Toma me la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No soy una ajena, no sé nada mal. Ven pa' acá, ven pa' acá. Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No soy una ajena, no sé nada mal. Ven pa' acá, ven pa' acá. Y ahora, give me boy, I'm your lady. I got here what you want, feel so crazy. Give me boy, I'm your lady, I'm your lady. I'm your girl, I'm your mama. Come on, boy, don't be shy, don't want drama. I'm your girl, Belladonna, sexy mama. You satisfy the way you're licking me, take me higher. I want this moment to last forever and ever and over again. Give me some of that, ooh la la. Tómame la mano que tú eres tan buena. Esta noche quiero bailar sobre una arena. No sé una ajena, no sé nada más. Ven pa' acá, ven pa' acá. Y ahora, tómame la mano que tú eres tan buena. Esta noche quiero bailar sobre una arena. No sé una ajena, no sé nada más. Ven pa' acá, ven pa' acá. Y ahora. हाँ जी, क्यों रोक दिया अभी तो मैं मूड में, मतलब आपको ये खिचड़ी, मतलब मैं तो अभी खड़ा होकर के मतलब कि झूमने ही वाला था कि मतलब गाना रोक दिया आपने। तो आपने जो ये गाया बिहारी भोजपुरी में था, राइट? दिस वाज स्पेनिश एंड इंग्लिश। आई नो दैट वाज स्पेनिश एंड इंग्लिश। एंड व्हेन पका, व्हेन पका, मुझे ऐसा लगा कोई पूछ रहा है कि ये जो कटहल है कब पकेगा, तो वो हाँ कब पकेगा। दैट वॉज सो ब्रिलियंट एंड यू नो मनाली, सो गुड, आई रियली एंजॉयड इट। जोक्स अपार्ट, जो आप लोगों को अचानक से भक्ति की दुनिया में ले जाते हो और वहां से निकाल के तुरंत डांस फ्लोर पे ले आते हो, ये कोई एक माहिर खिलाड़ी ही कर सकता है, जो इतनी कम उम्र में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, जो लोगों के मन को पढ़ रहा है, जो ऑडियंस को समझ रहा है, उसी के हिसाब से अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने गानों को बदल रहा है। तो परिवर्तन संसार का नियम है मनाली, जो बदलता है वही चलता है, और अगर आप नहीं बदले तो अफसोस कि कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे मित्र हैं सुधीर भाई, उनके कमेंट्स आए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इनका नाम लेना जायज है क्योंकि ये हमारे भाई साहब हैं और अभी फिलहाल बीमार हैं। तो सुधीर भाई आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और उम्मीद करता हूँ कि मनाली जी के गाने आपको ऑलरेडी इंजेक्शन दे रहे होंगे, वो दवाइयां आपको खानी नहीं पड़ेगी ज्यादा। जी मनाली जी, तो अब आप बताएं कि आखिरकार, अभी हम मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सी बात कर रहे थे और आप बता भी रही थी कि मेंटल हेल्थ तो जरूरी है और म्यूजिक उस पर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, तो और क्या आप एडवाइस करती हैं कि मेंटल हेल्थ और कैसे अपने आप को फिट रखा जाए, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखा जाए, और कुछ ऐसा क्या किया जाए कि ये जो लोग डिप्रेशन पे चले जाते हैं कई बार बेवजह का स्ट्रेस उनको हो जाता है, तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे? एक्चुअली ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने आप को समझें और जानें, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल वी लुक विद इन, जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम दूसरों को नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए एक बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप सूक्ष्म को समझ लें तो विराट को अपने आप ही समझ जाएंगे। बिल्कुल, तो इसलिए महान व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इस पे यही हमने यही फोकस किया, और मतलब हमारे घर में हमेशा से हम लोग ये देखते आए हैं कि हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग करें, जिससे बाकी जो नेगेटिविटीज हैं उससे आप अनअफेक्टेड रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो थोड़ा इजी हो जाता है चीजों को, इजी हो जाता है, और वो भी कहा जाता है ना कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी में रहे, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन है, कोरोना है, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी पुटिंग पीपल
you know, bit more stress situation है, business down है, काम नहीं मिल रहा, उन सारी चीजों को ही अभी एक ने पूछा मेरे से, एक ने पूछा भाई 2020 की क्या हुआ, मतलब कुछ अच्छा सुनाओ. मैंने बोला मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, इससे बेहतर अच्छा न्यूज और कुछ नहीं हो सकता. मैं जिंदा हूँ, 2020 की उपलब्धि यही है कि तुम इसको गुजार दो और निकल जाओ इससे बाहर. अच्छा इसी बात पे हो जाए प्यारे प्यारे. ओए होए, अच्छा आपने अचानक से नुसरत साहब की याद दिला दी. नुसरत फतेह अली खान, जी 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 जी, मैंने बोला ये आज चैलेंज ठोकूंगा मैं आपको. अब नुसरत फतेह अली खान साहब का मैं ये गाना आपसे सुनना अब, चाहता हूँ. अब ये हमारी जिम्मेदारी हो गई है कि हम यहाँ से एक सिक्सर मार ही दें. मार ही दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है ठीक है. तो नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, अजी हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे. प्यारे 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 प्यारे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, अजी हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे. थारे बिना मोहे चैन ना आवे, धक 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 मारा जी घबरावे, थारे बिना मोहे चैन ना आवे, धक 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 मारा जी घबरावे. बोले बासुरिया सुन ले सावरिया, बोले बासुरिया सुन ले सावरिया, हर बिना मोहे कुछ नहीं भावे. प्यारे 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 प्यारे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, अजी हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे. प्यार की कलियां कब की रखिया, रावण तक तक मैं ते तकिया, प्यार की कलियां कब की रखिया, रावण तक तक मैं ते तकिया, सांझ सवेरे देखन लागी, सांझ सवेरे देखन लागी, थारी सूरतिया मारी अखियां. प्यारे 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 प्यारे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, अजी हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, अजी हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे. जिंदगी में कई इंस्पिरेशन ऐसे होते हैं, बिना लागे नहीं मारा जिया, थारे बानी, बिल्कुल बिल्कुल. अरे मनाली जी, मैं वही कह रहा था कि जिंदगी में कुछ इंस्पिरेशन जो है ना आपके सामने ही बैठे होते हैं और आप उनको नहीं देख पाते. फिलहाल तो आप मेरे सामने बैठी हुई हैं और मैं आपको देख भी पा रहा हूं. और मैं आपको एक बात बताऊं कि एक इतना डिफिकल्ट गाना इतनी आसानी से विदाउट कोई फिल्टर, विदाउट कोई टेक्नोलॉजी, ऑटो ट्यून एंड एवरीथिंग, ब्ला 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 ब्ला, वी ऑल नो अबाउट इट, उसके बिना आप इतने बेहतरीन तरीके से गा रही हैं इसे कि एक बार को तो मन कर गया कि संगीत सीखा जाए. पर काश इतना आसान होता, इतना आसान होता कि हम कह दें और संगीत हमारे मतलब कि गले में जो है बस जाता. तो जी, जी. अब सवाल ये है कि आप तो संगीत सीख रही हैं और बहुत प्यार से सीख रही हैं. आपके बारे में मैंने बताया अभी पहले भी कि पुणे टू मुंबई, पुणे टू मुंबई का ट्रिप भी लगाया. तो जो रियाज है, आजकल के जो नवयुवा सिंगर हैं, जो उभरते हुए सितारे हैं, आपने बहुत सारे टैलेंट शो में हिस्सा भी लिया और बहुत सारे शो के आप विनर भी रही हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, कुछ दें, मतलब मैं भी उसको फॉलो कर पाऊं कि क्या कैसे रियाज कैसे करना चाहिए.
बिल्कुल, एक्चुअली म्यूजिक इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर एंड इट वर्क्स लाइक मिरेकल टू कीप ऑल द नेगेटिविटीज अवे. तो ये हमने अनूप जी से सीखा है. अनूप जी कहते हैं कि रियाज, मतलब कुछ लोग जैसे पूछते हैं ना कि अच्छा हमें कितने टाइम रियाज करना चाहिए तो काफी होगा, काफी कभी भी कुछ नहीं होता है. और अनूप जी कहते हैं कि आप जितने टाइम आप ऐसे कोई और दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, जितने भी टाइम आप फ्री बैठे हुए हैं, गाते रहिए, कंटिन्यूसली गाते रहिए, वही आपका रियाज है. सो दैट्स व्हाट आई फॉलो. हमने अभी लॉकडाउन में तो मतलब लिटरली हद कर दी थी रियाज कर करके. ये शायद उसी की वजह से है कि हम सब कुछ गा पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सब कुछ गाने की. तो यही है कि वी जस्ट नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन हियर. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली सेट. और हमने आज मनाली जी आपके ऑलमोस्ट हर सेक्शन को टच किया, जो भी आपकी जो सिंगिंग है, जो स्टाइल है ऑलमोस्ट हर हमने सुफियाना सुना, आपकी बॉलीवुड स्टाइल सॉन्ग्स भी सुने और तो भजन भी सुना. एक चीज रह गई, गजल. चाहूंगा कि दो लाइनें आप सुनाए, फिर उसके बाद हम दर्शकों को अलविदा भी कहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वो सुना देना अनूप जलोटा जी का, बहुत ही आपका भी फेवरेट है. देखिए मैं तो रिसर्च करके आया हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला है, तो आपका भी फेवरेट है, मुझे उस गाने को बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है मैं किस गजल की बात कर रहा हूँ. तो दो लाइनें उसकी उसकी सुना दें. अनूप जी की एक बहुत ही प्यारी गजल है, तो उसी की हम बस दो चार लाइंस आपको सुना देते हैं. बदनाम तेरे प्यार का अफसाना हुआ है, दीवाने भी कहते हैं कि दीवाना हुआ है. बदनाम तेरे प्यार का अफसाना हुआ है, दीवाने भी कहते हैं कि दीवाना हुआ है. रिश्ता था तभी तो किसी बेदर्द ने तोड़ा, रिश्ता था तभी तो किसी बेदर्द ने तोड़ा, अपना था तभी तो कोई बेगाना हुआ है, अपना था तभी तो कोई बेगाना हुआ है. रिश्ता था तभी तो कोई अफसाना हुआ है. बदनाम तेरे प्यार का अफसाना हुआ है, दीवाने भी कहते हैं कि दीवाना हुआ है. हम चाहेंगे कि आप सभी ये गजल को अनूप जी से जरूर सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से गाया है इस गजल को. जी, और जी. जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दी हैं, तो जितना ज्यादा हो सके इस शो को और इस लिंक को शेयर कीजिएगा, जिससे और काफी सारे लोगों तक ये पहुंच पाए और वो लोग भी इस एंटरटेनमेंट का फायदा उठा पाए. और पता है क्या मनाली जी, थैंक यू, आपने कह दिया, नहीं तो मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है. तो आपने कह दिया है, तो लोग शेयर भी करेंगे. बिल्कुल, और बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक म्यूजिक पहुंचाया जाए. इसमें कोई बिजनेस या फिर कोई अपना ये कहते हैं ना कि स्पॉन्सरशिप वाला तो काम ही नहीं है. बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे. और जैसा कि मनाली जी कह रही हैं और हम सब जानते हैं कि म्यूजिक जिससे बढ़कर स्ट्रेस बस्टर और बिना खर्च का अगर कोई दवा आपको मिल सकता है तो वो म्यूजिक है. तो म्यूजिक अपने अंदर लाइए. और इससे पहले कि आप हम सबको टाटा बाय बाय करें, मैं देख रहा हूं कि आप भागने की जल्दबाजी में है, इसे मेरे कहने से पहले ही आप लोगों को थैंक यू वाला आपका वो शुरू हो गया है. तो नहीं नहीं मैं आपको जाने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन जाते जाते एक बार बस दो लाइनें
मोरनी, बस वो वाला। अच्छा दो, हाँ बस आपकी आवाज में। मोरनी बागा मा बोले आधी रात मा, मोरनी बागा मा बोले आधी रात मा, छनन छन चूड़िया छनन छन चूड़िया खनक गई देख साजना, चूड़िया खनक गई बाल माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। यार बहुत अच्छा गाना आपने याद दिला दिया, ये गाना हम पूरा तैयार जरूर करेंगे और अगली बार आपको पूरा जरूर सुनाएंगे। जरूर जरूर जरूर, क्योंकि ये गाना तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मतलब मतलब रसगुल्ला यहाँ तक आया था और आपने चम्मच हटा लिया तो नहीं, बहुत लालच दे दी थोड़ी सी। हाँ नहीं, थैंक यू मनाली जी, थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू कॉल इंद्राणी जी एज वेल, अगर इंद्राणी जी हमारे साथ जुड़े तो सच में बहुत ही मजा आया मनाली जी आपके साथ जुड़ करके। और इंद्राणी जी आप बताएं कैसा रहा सब कुछ? Thank you so much. I mean, I was just sitting in my living room and enjoying this conversation. लगा ही नहीं कि कोई you know कोई show चल रहा, लग रहा अब sitting room में बैठ के बस गपशप हो रही है, अड्डा हो रहा है, and that is absolutely the way it was supposed to be. So thank you so much, Manali. I mean, I cannot. I know we both have been talking for such a long time. अच्छा इस time करते हैं, वो time करते हैं, ये चलता रहा है काफी महीने से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे. And finally we made it, and what a beautiful performance you gave. As Bridgie said, you know, you've touched on all the genres, and the best part was, you know, jaise Bridgie bhi bol rahe the ki you didn't need any music, Manali, and I think that is something that you should also, you know, remember and carry forward, that you don't need anything else to camouflage any nuances in your song. You are that confident and you are able to bring that out. So superb, Manali, superb. I mean, I'm sure now, anytime, you know, we need you back. Manali, I'm just pinging you. Manali, please, I have wapas. Definitely. I'm so flattered. Absolutely. And I'm sure we are going to hear more of you in the coming months. Certainly. जी क्या बताओ, वो तो आपने तो पूरा माहौल ही जमा कर, यू नो, यू जस्ट मेड अ होल एनवायरनमेंट फॉर अस, सो थैंक यू सो मच एज वेल। आई मस्ट से ब्रिजी, ब्रिजी हैज बीन एन अमेजिंग होस्ट, और आपके साथ आगे भी और शोज करने में बहुत मजा आएगा। जरूर, इट ऑल गोज टू यू मनाली, एंड आई थिंक इट ऑल गोज टू संगीत फाउंडेशन एंड ऑल ऑफ यू, इंद्राणी जी, जयंता जी, एंड देयर आर पीपल यू नो बिहाइंड द स्क्रीन who worked really hard to get all the artists, and you know, coordinating with me, coordinating with you, and trying to sort out Anuj ji, you know, such a busy man, but you know, ye teamwork hai, or at the end of the day, I think we have done justice to it, and hopefully those feedbacks are already telling, you know, the comments below there are telling the audience enjoyed it as well. So no, thank you very much for having me on this. Thank you for having me over. That is the reason, you know, Sangeet Foundation, at Sangeet Foundation, that is the main thing, you know, as Manali and Bridgie also said, that trying to spread the awareness that music helps, music heals, and, you know, listen to music, enjoy, even music, performing arts, not only, you know, songs and dance, any kind of performing arts always heals, and Joyanto and Nupur Ray, as we said, you know, they are the founders, and as Bridgie said, so many people working behind, you know, from making the poster to the final thing. Of course, the icing on the cake was Anoop ji coming in. I mean, it must have been such a pleasure for you also, you know, to see your teacher come in. And even if it was for a few minutes, he has been on our program before. And I am in constant touch with him also. And he's, as I said, the one wonderful person. And that's the way I can only describe him. But thank you so much again, you know, Sangeet Foundation thanks you from the bottom of their heart, Manali. And we hope to have you back again soon. And Bridgie, as usual, brilliant, you know, hosting. And I don't need to say that to you again. Thank you so, so much. Hope to see you again. And Manali, all the success to you. Yes. And we thank will you so see much. You back again soon. Thank you so much. Yes. Thank you. Thanks. Okay. Bye bye, everyone. Take care. Bye bye. Keep sharing. Bye. Keep watching Sangeet Foundation programs. And watch Manali and Bridgie as well. Take care. Yes. Bye bye. Take care.